इमाम का वो जुमला असअलुका हुब्बका, परवरदिगार मैं तो उससे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ, हुब्बा मैं युहिब्बुका, और सवाल करता हूँ उसकी मोहब्बत का जो तुझसे मोहब्बत करने वाला हो। अब जो तुझसे मोहब्बत करने वाला है परवरदिगार उसकी मोहब्बत मुझको नसीब फरमा दे। हुब्बा कुल्ले अमल यूसिलुनी इला कुर्बिक, और हर उस अमल की मोहब्बत का मैं सवाल करता हूं जो अमल मुझे पहुंचा दे तेरी कुर्बत तक। अब चाहे वो नाम रोजा हो, नाम नमाज हो, नाम हज हो, नाम जकात हो, नाम सदका हो, नाम फितरा हो, नाम बड़ों का एहतराम हो, छोटों पे शफकत हो, घर वालों के साथ अच्छा सलूक हो, हर वो अमल उसकी मोहब्बत मुझे अता कर दे। कभी कभार इंसान अमल तो करता है अल्लाह की कुर्बत वाला, मगर मोहब्बत के साथ नहीं करता। क्या मतलब? जान छुड़ाता है किसी तरह ये अमल मुकम्मल हो जाए। और तो मिसालें बड़ी देना मुश्किल सा मसला है। एक मिसाल आपकी खिदमत में बड़ी शानदार बयान कर सकता हूं कि मैं देखता हूं जब एहराम पहनते हैं लोग, और एहराम पहनकर उमरा या हज के लिए रवाना होते हैं, तो एहराम लगता कि बदन पे काटने लगा है। बस मक्के पहुंचे और इधर ये तवाफ किया, वो नमाज पढ़ी, वो सही की, और किसी तरह ये एहराम उतार दें। तो अमल तो किया है, अमल से मोहब्बत नहीं की है। अगर अमल से मोहब्बत हो तो एहराम में लुत्फ दोबाला हो जाए जिंदगी का, और इंसान दुआ करे परवरदिगार ये एहराम की हालत मुझे हमेशा अता करते रहना। और अगर उतार फेंकने की बात हो, जैसे लोग इंतजार करते हैं घड़ी देख देख कर, रोजा खुलने का टाइम हुआ या नहीं हुआ, टाइम हुआ या नहीं हुआ, टाइम हुआ या नहीं हुआ, क्या मतलब है? जल्दी गुजरे वक्त और जल्दी कुछ खा पी लें, इसका मतलब है अमल तो है, अमल से मोहब्बत नहीं है। कभी आशिक ने माशूक से मुलाकात की हो या कोई ऐसा काम किया हो जो माशूक को पसंद हो, तो कभी टाइम देखा है सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद? Oh.